प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके हैं और ये सभी पर्सन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि राजस्थान की कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। कंजर, सांसी, सहरिया, ग्रासिया, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, सांसी। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, राजस्थान में किस जनजाति में मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने की प्रथा है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस तरह के पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चों का जो आंसर वो गलत आता है। तो आप लोग जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा, जनजाति से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में मिल जाएंगे। तो मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की जो बूंदें डाली जाती है प्रथा किस जनजाति में है। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, कंजर। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, राजस्थान में मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो आपको बताना है कि मीणा पुराण का जो रचयिता वो कौन है। वो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, मगन सागर जी। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं कहाँ से थे। तो ये टोंक जिले के उनियारा के पास उखलाना गांव के रहने वाले थे। मुनि मगन सागर मीणा समाज के ऐसे पहले ज्ञात विद्वान थे जिन्होंने मीणा जाति के प्राचीन काल से मध्य काल तक के इतिहास को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया था। ठीक है, मीणा समाज को लेके मुनि मगन सागर का बहुत योगदान है तो, और इनको काफी माना जाता है, तो इम्पोर्टेंट पर्सन बनेगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, राजस्थान में भील समाज का वह त्यौहार जिसमें भील समुदाय के युवक युवतियाँ अपना जीवन साथी चुनते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम बात कर रहे हैं भील समाज की। ठीक है, भील जनजाति की, जिसके अंदर जो एक त्यौहार है भील समुदाय युवक युवतियों अपना जीवन साथी किस त्यौहार में चुनते हैं। तो वह भगोरिया, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, राजस्थान में भीलों द्वारा विवाह के मौके पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। विवाह के अवसर पे जो नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है उस नृत्य को क्या कहा जाता है। जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। तो सही उत्तर रहेगा हाथी मना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, राजस्थान के ग्रासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, देखिए ग्रासिया जनजाति के अंदर एक श्रेष्ठ विवाह होता है जो कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है मोरबंदिया, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, राजस्थान के किस जनजाति के लोगों का नेता गमेती कहलाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आज के वीडियो में जनजाति के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो है किस जनजाति के लोगों के नेता को गमेती कहा जाता है, तो वह है भील, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, राजस्थान की किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पे बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है। मृत व्यक्ति के स्मारक पे, ठीक है, मरने के बाद व्यक्ति की जो स्मारक बनाई जाती है उसकी मूर्ति को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आगड़। तो ये किस जनजाति के अंदर है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा भील। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, राजस्थान में सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राज्य किस जनजाति से संबंधित है। देखिए हेलरू जो है वो सामाजिक सरकारी जो सहकारी संस्था है वो किस जनजाति से जुड़ी हुई है। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ग्रासिया। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं, किस व्यक्ति ने सहरिया जनजाति की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा था कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा। ये लाइन बहुत फेमस हुई थी, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि ये किसने कहा था। जल्दी से आप लोग बताइए, सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए जीवन भर आपको याद रखेगा, ये लाइन किसने लिखी थी। तो कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राजस्थान की किस जनजाति में विवाह होने की प्रक्रिया को मोटी पेन कहते हैं? किस जनजाति के विवाह होने की प्रक्रिया को मोटी पेन कहा जाता है? तो वह कथोड़ी, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजस्थान की किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन कहा जाता है? ठीक है, नानी पेन जो है कहा जाता है सगाई तय होने की प्रक्रिया को, ये किस जनजाति में? तो ये कथोड़ी के अंदर है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजस्थान के दक्षिणी भाग में भील जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए, राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर भील जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, वो भी नाट्य के रूप में। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, गौरी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, राजस्थान में बीजा और माला किस जनजाति की उपजातियां? बीजा और माला वो कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं? तो यह सांसी के, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान जीके के सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान में भील पुरुषों द्वारा अपने सिर के बालों को ढकने के लिए क्या पहना जाता है? जो बच्चे ग्रामीण से आते हैं उन सबको ये पता होता है। देखिए, सिर के बाल ढकने के लिए भील जनजाति के द्वारा जो है सिर के बालों को ढका जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पोते, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान में भीलों का प्रसिद्ध नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहा जाता है, भीलों का प्रसिद्ध नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहा जाता है, तो नेजा नृत्य सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राजस्थान में वालर किस जाति का लोक नृत्य है? राजस्थान के अंदर वालर है जो कि किस जाति का लोक नृत्य है? भील, ग्रासिया, कंजरिया, सांसी। तो वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राजस्थान में भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर जो चित्रांकन करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस तरह के पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भील समाज के लोगों के द्वारा स्त्री हो गया पुरुष हो गया शरीर पर जो चित्रांकन करवाए जाते हैं उसे क्या नाम दिया गया? उसे कहा जाता है गोदना, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राजस्थान में मीना समुदाय का परंपरागत नेता किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मीना समुदाय का जो परंपरागत नेता होता है उसे किस नाम की उपाधि दी गई है? तो उसे पटेल कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राजस्थान के बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम बहुत फेमस है, जनजाति का किस जनजाति का जो है मानगढ़ धाम फेमस है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, कंजर, भील, बनिया या कालबेलिया? तो ये भील जनजाति के समुदाय का है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान में कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, कुकड़ी की जो रस्म है, जो एक एक टाइप की रस्म होती है, ये किस जनजाति के अंदर निभाई जाती है? तो ये सांसी जनजाति के अंदर निभाई जाती है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान में भील जनजाति में चिमाता किससे संबंधित है? चिमाता शब्द है जो कि किससे जुड़ा हुआ है? भील जनजाति से जुड़ा हुआ हमें पता है, लेकिन ये क्या है? रिवाज है, उत्सव है, आभूषण है, कृषि है? तो चिमाता एक प्रकार की कृषि है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि चिमाता होता क्या है। तो भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पे की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है। क्वेश्चन और 24 की बात करें, राजस्थान में थोड़ी जाति द्वारा कत्था बनाने हेतु खीर वृक्ष के किस भाग का उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, कत्था बनाने हेतु खीर वृक्ष के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो छाल और लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, राजस्थान में आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वनों को काट के भूमि पे किस प्रकार की कृषि की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आदिवासियों द्वारा जो है वनों को काट के भूमि पे किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका सही उत्तर जल्दी से आप लोग बता दीजिए, सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, वालरा कृषि। ठीक है, वालरा कृषि को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है।
अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो अभी आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो घर बनाकर भी नहीं रहती, इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि आपके 25 में से कितने सही हुए। ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, और कोई भी राय देनी हो, कोई डाउट हो, सुझाव देना हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी को चेक कर लीजिएगा कि आपकी घंटी दबी हुई है या नहीं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम राजस्थान जीके का वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लोग घंटी को जरूर दबा लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप सभी का हमें सहयोग चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक सभी ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।